नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं वीडियो कुबोटा, ये छोटा 27 HP फोर व्हील और इसकी एजेंसी है यहाँ मंगलोर रोड रूरकी रेल के पुल के पास। आप इनका बोर्ड देख सकते हैं, ये देखिए। आज इसके बारे में जानते हैं सर से। हाँ सर बताइए जी सर, कितने एचपी में है ये आपका आता है? 2700 में आपका आता है। ये कुबोटा का 3 सिलेंडर फोर व्हील ड्राइव आता है आपका। इस ट्रैक्टर के साथ में आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है। कुबोटा के सभी ट्रैक्टर्स के साथ में पावर स्टीयरिंग मिलता है। एक 2100 का ट्रैक्टर है जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता। उसके बाद आप किसी भी सीरीज को ले लीजिए, कोई भी ट्रैक्टर, सब पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 शिफ्ट के साथ में मिलता है, लो मीडियम हाई। हाई लो मीडियम है इसमें जी, ये हाई लो मीडियम के साथ में आता है। ये आपका वही PTO वाला सेम जो आपका होता है 540-750 वाला गियर जी जी। फिर उसके उधर आपको देख रहे हैं लो मीडियम हाई में आपको 4 गियर उधर तीनों मिलते हैं, तो वही 12 गियर बॉक्स 12 का ये आपका गियर बॉक्स आता है। ये आपके हाइड्रोलिक्स के लिए ये भी अच्छा शटल शिफ्ट है ये? नहीं ये शटल शिफ्ट नहीं आता। ये तीन गियर है, 3 फॉरवर्ड एक वो 3 फॉरवर्ड एक रिवर्स और वो तीनों हाई लो मीडियम है, तो इस वजह से इसमें टोटल 12 गियर मिलते हैं। उसके साथ में आपको फोर व्हील ड्राइव तो मिलता ही मिलता है। उसके साथ में इसमें एक अलग से सिस्टम आता है आपका, जब आप देखोगे तो ये आपका आता है सेंसिंग वाला सिस्टम जी, हाइड्रोलिक सेंसिंग वाला सिस्टम आता है इस ट्रैक्टर के अंदर, जिसको आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी जितनी चाहिए उस हिसाब से आप अपने आपको एडजस्ट कर सकते हो इस ट्रैक्टर के साथ में ना जी जी जी। तो ये वो वाला सिस्टम है। बाकी आपका ये आपका हो जाता है फोर व्हील ड्राइव इंगेज करने का सिस्टम, एक बार आप इसे ऊपर कर दो तो इसमें फोर व्हील ड्राइव इंगेज हो जाता है। चारों पहियों से जोड़ लगाएगा फिर जी 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 जी। मेन खेत में अगर जो आप छोटे ट्रैक्टर कर रहे हो बिना फोर व्हील ड्राइव के कामयाब नहीं होते, रोटावेटर वगैरह चलाना होता है इसमें दिक्कत आती है। दूसरी चीज जो इसका इंजन है वो कुबोटा का खुद का पर्सनल इंजन है। जैसे आप बाकी ट्रैक्टर्स में देखोगे तो एक मिस्तुबुशी वाला जो इंजन आता है मैक्सिमम ऑफ टाइम बाकी ट्रैक्टर्स में वही इंजन को हर कंपनी अपने में लगा के देती है, बट कुबोटा के ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है। इनका खुद का इंजन एक भाई साहब बोल रहे हैं कि इनका अपना इंजन है कुबोटा का। इनका अपना इंजन है, ये पिछले 100 साल से इंजन बना रहे थे, पहले ये किसी और को सप्लाई करते थे, फिर उन्होंने खुद के ट्रैक्टर्स में लगा के देना शुरू कर दिया। इस इंजन की खास बात यह है कि बोनट ओपन जाओगे बट ये इंजन ट्रैक्टर नहीं रुकेगा। जैसे आप जनरली देखते हो ट्रैक्टर्स के अंदर जी जी, कुछ 3-4 घंटे बाद बंद करना पड़ जाता है। ये ट्रैक्टर आप 3 दिन भी चलाओगे कंटिन्यूस तब भी बंद नहीं करना पड़ेगा, चाहे फिर कितनी भी गर्मी। इसमें ड्राइवर बदला जाता है, ट्रैक्टर नहीं रुकता। बाकी ट्रैक्टर्स में आप देखोगे कि थोड़ा टाइम चलाने के बाद इंजन हीट मार देता है, वही सेम इसमें भी आपका एयर फिल्टर जो आता है वो ड्राई एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर है इसमें सेम, तीन सिलेंडर मैंने आपको बताया, 3 सिलेंडर इंजन है जी, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है। वो देखिए आप पंप इसका भी ऐसे सेम 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 जैसे उसमें ना बड़े 4501 में सेम वही पंप है, वैसा ही सेम वही केचिस सिस्टम पे आपका ट्रैक्टर आता है। फोर व्हील जी वही सेम आपकी ग्राउंड क्लियरेंस भी उसी हिसाब से रहती है। ये पावर स्टीयरिंग नहीं बस ये पावर स्टीयरिंग नहीं, मैनुअल स्टीयरिंग है ना? ये नहीं पावर स्टीयरिंग है, आपको दिखाता हूं। आपको अंदर से करके भी दिखाता हूं। अच्छा वहां से अंदर से गाड़ी वाला होता है सिस्टम आपका? अच्छा अच्छा वो है जी जी जी। जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी ये आप देखो ये अभी जस्ट सिंपल चल रहा है। किसान भाई आप देख सकते हैं, शायद पहली बार देख रहे हो आप, ये स्टीयरिंग ऐसा लगता है जैसे मैनुअल स्टीयरिंग हो और ये पावर स्टीयरिंग है। आप देख सकते हैं ये रोड है, आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग है। आप इसे सिलेंडर से खड़ा खड़ा घुमा सकते हैं। इसमें जो सिलेंडर लगाया है आप आवाज भी सुन सकते हैं। एक्सीलेटर दीजिए एक बार, एक्सीलेटर दबा, चलो एक्सीलेटर मैं कोई बात नहीं, एक्सीलेटर एक बार दबा, ये आवाज सुन सकते हैं आप, बड़ी प्यारी आवाज है। इसका साइलेंसर भी इस हिसाब से बेनिफिट करा गया है। ये साइलेंसर कभी भी जैसे ड्राइवर चलाता है ना खेत में तो जब गर्मियां हो जाती हैं उसके बाद क्या होता है ना, बहुत से ट्रैक्टर के साइलेंसर यहाँ पे हीटिंग उसका चलाता है, उसकी सारी हीट ड्राइवर के ऊपर आती है। ड्राइवर के ऊपर आती है इसका साइलेंसर, देखो इसका साइलेंसर सारी हीट आगे आगे। हाँ
ये साइलेंसर है इसका। हाँ जी, इसमें भी वही कूलेंट वाला कूलिंग सिस्टम आता है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका ट्रैक्टर कभी भी ड्राई नहीं, गर्म नहीं होता, हीट नहीं मानता है। और मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा था, ये अंदर ही है इसमें स्टीयरिंग का सिस्टम, जो मोटर वाला सिस्टम जैसे गाड़ियों में आता है, इसमें सिलेंडर नहीं होता, इसके अंदर होता है मोटर वाला सिस्टम ना, वो वहीं से फिर काम करता है, वहीं से काम करता है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका खेत में ट्रैक्टर बंद हो गया जी, तो उसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि पावर स्टीयरिंग लॉक हो जाता है जी, इसका तब भी स्टीयरिंग चलता है, तब सिंपल स्टीयरिंग हो जाता है, जब सिंपल स्टार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली पावर स्टीयरिंग बन जाता है, स्टार्ट होते ही पावर स्टीयरिंग से काम करता है। और अगर कभी ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम हवा ले जाए तो आप इसको मैनुअली भी चल सकता है, ये मैनुअली भी काम करेगा। और टायरों की अगर इसकी बात करें, अगले टायर हैं इसके, ये 180, हाँ 185 D12। और पिछले जो टायर हैं इसके, पिछले 8-3-20 जी, पिछले जो टायर होते हैं इसके 8-3-20 के हैं, और ये 4-व्हील ड्राइव है, आप देख सकते हैं। और चेचिस पे जो इसकी प्लेट है, नंबर प्लेट पे इसकी बनावट है, आप इसका स्पेस देखिए, ड्राइवर के लिए कंफर्ट देखिए, आप ऊपर बैठ के देखिए, इस पे आपको स्पेस दिखाई देगा ड्राइवर के लिए, और फिर सीट एडजस्टेबल है आपकी ना, आप अगर इसको यहाँ से खोल दोगे तो ये आगे पीछे एडजस्टेबल है आपकी सीट ना, ये लॉक अभी आगे पीछे हो जाएगी, एडजस्टेबल हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, लॉक दे रखा है इसमें, नहीं अभी नहीं है तो थोड़ी भारी हो रही है, आप सब कुछ देख सकते हैं। हाई लो मीडियम 540 और 750 RPM पर पीटीओ काम करती है इसकी। और इधर भी देखिए, और स्पेस देखिए आप, ये डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर मीटर और ये स्पीड मीटर, इधर ये फ्यूल मीटर है। एक जनरल आदमी भी बैठ जाए, देखिए स्पेस कितना है, देखिए आप ये देखिए, बिल्कुल बड़े ट्रैक्टर की तरह स्पेस, काफ़ी स्पेस है। तो बस आज इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।